नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो हजरत आयशा कहती है जब ये बात करती तो नबी सल्लम उसकी खूबियां गिनवाना शुरू कर देते हैं, खदीजा में ये खूबी थी, खदीजा में ये खूबी थी, यानी बताने के लिए कि ये खूबियां हैं जो तुम में भी नहीं मौजूद हैं, तुम बाकी बीवियों में भी वो खूबियां नहीं है। और फिर फरमाया कि मेरी तो सारी औलाद ही खदीजा से है, यानी आपकी जो चारों बेटियां हैं, ठीक है, और सैयदा फातिमा और सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन वअलैहिम सलाम, ये चारों बेटियां सैयदा खदीजा से हुई हैं और ये उनकी अपनी बेटियां हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो मशहूर किया ना, ये पिछले खावत थी और अजीब व गरीब वो बता रहे होते हैं साहब किताब, इस दुनिया में सबसे बड़ा राफदी जो अबू बकर उमर को नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक एलानिया तौर पर मुनाफिक कहता है, यासिर अल हबीब, अरब में उसके पाए का कोई राफदी नहीं है। मैं शिया की बात नहीं कर रहा, राफदी, इसको खुद शिया ने और ईरान ने निकाल दिया था और इसको गुमराह डिक्लेयर किया हुआ है। वो भी मानता है कि नबी सल्लम की ये चारों बेटियां अपनी है, सईदा खदीजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, पिछले खामत से नहीं है। तो ये मैं राफदियों को खुसूसन फकी देने लगा कि सबसे बड़ा राफदी यासर अल हबीब, सुन्नी और शिया दोनों किताबों में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटियां थी। बाकी ये जो वो हिसाब लगाने शुरू करते हैं ना, इतने साल की उम्र में शादी हुई है, वो हिसाब ही गलत है, वो सारे तारीखी रवायतें हैं, कोई सही सनद से साबित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकद में सईदा खदीजा जब आई तो उनकी उम्र 40 साल थी, कोई सही सनद से साबित नहीं है। और ना ये सही सनद से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद ये बेटियां पैदा हुई, ये अपनी टाइमिंग पर ही पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत के वक्त ये बालिगा थी। तो ये मैंने ज़िमनन मसला अर्ज कर दिया।